जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72 में आर के राजपूत आपन के फिर स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ गए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रचार प्रसार नव नियुक्त श्री वैभव सिंह ठाकुर जी। आइए हम जानते हैं उनके बारे में, छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन में अनेक विरोध प्रदर्शन हल्ला बोल चाहे कोई भी कार्यक्रम है भारतीय जनता युवा मोर्चा या पार्टी के, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। युवा में अच्छा पकड़ है, रायपुर के नया चेहरा और एक युवा मन के जान है, मस्त दोस्त यारी में नाम रखते। आइए हम उनसे चर्चा करबो और जानबो खो राजनीतिक गतिविधि मल्ला। स्वागत है अपन के खास कराकर न्यूज 72 के। कैसे लगा थे पदला पाके आप मल्ला? सबसे पहले तो मैं आप मन के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ला जय जोहार कहा था और जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व है मोर ऊपर भरोसा जता के मुला प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख के दायित्व दे है। एला में यहाँ एक प्रकार से मैं पूरा जनता मन भर ऐसे हमन प्रदेश प्रचार प्रसार की भूमिका निभाबो के जिन केंद्र सरकार के योजनाओं से लेकर राज्य सरकार के जिन विफलता है यहाँ के ओला हमन जन जन तक के पहुँचाबो और प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख के भूमिका ला हमन पूरा ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करबो। एकर में यहाँ अपन संगठन ला और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जिला पूरा में यहाँ अपन के माध्यम से आश्वासन देता हूँ। छत्तीसगढ़ के जनता मोला आपन लाइक समझाया का कष्ट करू के प्रदेश के प्रचार प्रसार प्रमुख ये होते का एक दायित्व का एक कार्य क्षेत्र का अधिकार का है। प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख के मायने ये हवे हमार युवा मोर्चा में कि जिन केंद्र सरकार की योजना रीते तिन ला हमन मतलब जन जन तक के ओकर का लाभ होते तिन ला हमार मतलब सोशल मीडिया से लेके जमीन स्तर तक के मंडलों में बैठक करके और जब जैसे हमार संगठन के नेतृत्व है वैसे हमन एक कैंप लगा के ओकर प्रचार करबो और राज्य सरकार जो यहाँ कांग्रेस के भ्रष्टाचारी और झूठा सरकार हवे भूपेश बघेल के तेकर जिन गलत नीति हवे तेकन जिन विफलताएं हैं तेन हमन जन जन तक के जमीन स्तर तक के हमन मन उला ले जाबो और प्रचार प्रसार करबो ताकि हमार आने वाला समय में पुनः भाजपा की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में हमन स्थापित कर सकें। जैसे कि अभी जानत हो कि बीजेपी की सरकार विपक्ष में बैठे है, सत्ता पार्टी में बैठे कांग्रेस सरकार, उनकर कार्यकाल अपन कैसे देखा था अपन नजरिया से? कांग्रेस सरकार है तो पूरा झूठ के बुनियाद में टिके सरकार है। कांग्रेस सरकार के ईमान लोमन बेच के यहाँ सरकार बनाए हैं, जिन जिन वादा करे रही से वो कोई वादा लोमन पूरा नहीं करे। बिजली बिल हाफ करबो कह रही से ओकर बाद यूनिट वाला ला दिस तहन फिर यूनिट में ओकर क्यूबिक ला बढ़ा दिस, ये अंदर के टेक्निकल बात है। आधा तो करे 250 यूनिट तक के भी, मगर जिन अंदरूनी तौर पर जिन पहली मापदंड रहे एक यूनिट ला नापे के तेन ला मन बढ़ा दिस अधिकारी मन संग साठ गाठ करके और यहाँ जनता मन ला कहा कि हमारे बिजली बिल ला हाफ कर दें और ऐसे करके बोनस के वादा करीस, ऋण माफी के वादा करीस, काकर ऋण माफी हुए पूरा प्रदेश में अभी भी 60% किसान मन हुए तेकर ऋण माफी हो नहीं है। युवा मन संग छल कर दिस, युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता देबो कह दिस, आज तक के एक जन युवा ला बेरोजगारी भत्ता नहीं मिले, ऐसे झूठ के सरकार है एकर हमन पर्दाफाश करबो। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन के थे, खून रक्त वाहिनी। 2023 आगामी विधानसभा चुनाव देखते हुए अपन के कहाँ रणनीति है कि अपन किस प्रकार मैदान में उतरा? अभी रणनीति तो हमन मन के जिन प्रदेश अध्यक्ष जी बनी से युवा मोर्चा के उहे ले हमार मन के संगठन है एक प्रकार से युवा मोर्चा ले बार फील्ड में उतार दे है कि जाओ तुमन एक कांग्रेस सरकार के पर्दाफाश करो। हमार अमित साहू जी युवा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरा जिला मन के दौरा करे है और एक एक जन जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता मन ला आज अपन संग प्रदेश बाड़ी से लेके जिला अध्यक्ष से जिला बाड़ी में रखे है। ऐसे करके जिन एक माहौल पूरा प्रदेश में बना थे और जिला में जिन वो दौरा करी सुबह जिन कार्यकर्ता मन के अंदर में एक जोश वापस आई से तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि 2023 में मन युवा मन के दम में युवा मोर्चा से युवा मन ला जोड़ के हमन यहाँ प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार ला स्थापित करा थन। ए मोर आप मन के चैनल के माध्यम से एक जनता से मैं आह्वान करत हूँ कि कांग्रेस सरकार ला उखाड़ फेंके के समय आगे है। ए मन आप मन संग बहुत झूठ फरेब कर लीस और एकर मन के मंत्री मन है रेत माफिया बन गए है, एकर मन के अधिकारी मन संग साठ घाट चलत है और जनता मन ला लुटत। आज के युवा वर्ग जो छत्तीसगढ़िया है आज मन वही सोचते कि अगर नौकरी पा जाब हमारे लाइफ बन जाही सेट हो जाही, राजनीति में बहुत कम आना चाहते हैं, तो ऐसा मत है आप मन हर राजनीति कहे चुने कि राजनीति मोर भविष्य है एवं मैं जाना चाहिए? नहीं अच्छा करो आप मैंने प्रश्न लम्बो से पूछे काबर मोर ऐसे कभी ख्याल नहीं रही कि मैं राजनीति में आऊँ।
मगर ऐसे ऐसे परिस्थिति बनत गईस और मैं सक्रियता के तौर पे मैं यहाँ स्कूल कॉलेज में अपन सक्रिय रहे हूँ। तो मोला 2008 में एक वाक्य हुई मोर संग, एक आप मन के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ आप मन के चैनल से, के वो टाइम हमर मन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के रायपुर प्रवास रही से भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और मैं वो टाइम रहे हूँ 9वीं 10वीं क्लास में मैं रहे हूँ। तब मैं यहाँ सुबह उठ के मोर पेपर पढ़े के चाय पिए आदत, तब मैं यहाँ सुबह उठे पेपर पढ़त रहे हूँ, देखा बड़े बड़े विज्ञापन छपे रही से अनुराग ठाकुर और वो टाइम के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रही से अनुराग सिंह देव, तब उलग मैं देख के खासा प्रभावित हूँ। और मैं यहाँ सोचे हूँ कि महूल भारतीय जनता युवा मोर्चा से भाजपा जुड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ सब अपन दोस्त यार मन ला फोन करूँ कि चलो यार ज्वाइन करना है भाजपा, ऐसे ऐसे बात है ऐसे करके। तो मोर सब दोस्त यार मन शुरू से मोर साथ रही से मन के मैं हृदय से अभी भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप मन के माध्यम से कि मन मोर का साथ दे। तो मन मतलब मैं फ़ोन करूँ अमन सब वही समन 150-200 की संख्या में प्रदेश अध्यक्ष वो टाइम के अनुराग सिंह देव भैया रही से वोकर नेतृत्व में हमन भाजपा कार्यालय रजबंदा मैदान में ज्वाइन करें भारतीय जनता युवा मोर्चा, और ओकर माध्यम से मैं यहाँ राजनीति में प्रथम आया हूँ। सक्रिय राजनीति में 2008 में मोला मंडल के उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के बनेस, ओकर बाद में 2013 तक के मंडल उपाध्यक्ष के रूप में लाखीनगर मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में काम करे हों। ओकर बाद फिर छात्र संघ चुनाव चालू हुई, इसमें 2012 में कॉलेज गए फर्स्ट ईयर में, तो मैं महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में मैं देखे हूँ वहाँ के वातावरण ला, तो छात्र मन के पूर्ण रूप से वहाँ के वो टाइम के संगठन की सहनेस हुई तन मन शोषण कर मैं हूँ, मैं छात्र मन के आवाज़ बन के ओकर आवाज़ उठाए हूँ। तो छात्र संघ चुनाव हो नहीं, तो हम अपन युवा मोर्चा के तले वो टाइम काम करें वहाँ, तो आन फिर छात्र संघ चुनाव चालू हुई। तो 2014 में मोला छात्र संघ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है मोला अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार खड़ा करीस, तो मैं तो लगातार सक्रिय रहे हूँ छात्र मन के बीच में, तो मैं निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हूँ। ओकर बाद 2015 में मैं यहाँ पुनः अपन प्रभारी में मोरला प्रभारी बनाएगी इस महाराजा अग्रसेन कॉलेज के, तो पुनः मैं हूँ वहाँ एक बार अपन सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट मन फिर से हमन विजयी बनाए। और 2016 में मोला फिर एक बार छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है सचिव पद पर मोला खड़ा करी, और मैं यहाँ वहाँ भी विजयी हासिल हुए 450-500 वोट से मैं वहाँ विजयी हुए। और ओकर बाद मोला विश्वविद्यालय अध्यक्ष के गरिमामयी पद में मोला बैठे के मौका दिस, मोला उम्मीदवार भी नहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ओकर बार मैं आभारी हूँ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, मैं आप मन के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। तो वो मेरे लिए मोला यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बार चुनिस सब लड़का मन है छात्र मन है, और मैं लगातार ओकर मन भर चाहे वो फीस वृद्धि रहे चाहे वो कुलपति के तानाशाही रवैया रहे चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरे में दिक्कत रहे चाहे लंबा लंबा लाइन जेन वहाँ लगे, मोर पहला प्राथमिकता रही से जब मैं यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बने होता कि ये जेन चक्कर काटे के प्रथा रही से यूनिवर्सिटी में तेन ला मोला बंद करना, काबर हमन तो भुक्त भोगी हैं हमन तो खुद छात्र रहे हैं, तो देखन हर काम बर एक एक हफ्ते तक के चक्कर काटने पड़े। तो मैं यहाँ अध्यक्ष बने के सबसे पहली बार कुलपति के हों कि जेन चक्कर काटे के प्रथा तेन ला बंद कर, और ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन भी सुविधा दे स्टूडेंट बन ला, ताकि जेन गरियाबंद बलौदा बाजार जसपुर महासमुंद के छात्र तीन मन बार बार यहाँ यूनिवर्सिटी मत आना पड़े, तो मन अपन जिला में बैठ के ऑनलाइन डुप्लीकेट मार्कशीट माइग्रेशन पर अप्लाई कर सके, तहन जब उकर ये सब हमन मांग रखें और हमन लंबा लड़ाई लड़ेन, ये प्रकार से मोर छात्र राजनीति में प्रवेश हुईस, और आज मैं पुनः भारतीय जनता युवा मोर्चा मोला वापस प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख के दायित्व दी से। अंत में दो सवाल थी, आप मन के राजनीतिक गुरु कौन है, मतलब जिला देख के अपन बड़े हो गए खर खच बनना है काला मान थो अपन आप राजनीतिक गुरु तो ठीक हवा है, मगर मैं सबसे पहले तो अपन माता पिता अपन गुरु मानता हूँ जिन मन मोला ये लायक बनाए हैं कि मैं आज मैं राप मन संग बैठे हूँ, मैं यहाँ ऐसे छात्र मन पर काम कर सके हूँ, मोला अतका सहयोग करीस मोर घर परिवार वाला मन के कबू मोला रोक टोक नहीं करीस कि नहीं तो ऐसे नहीं करना है राजनीति में नहीं जाना, तो ओकर मन के सहयोग से आज इतना दूर में पहुँच पाए हूँ, सबसे पहले वो मन मोर गुरु हवे। और दूसरा मैं यहाँ राजनीतिक गुरु अपन अनुराग ठाकुर हमन मन के केंद्रीय मंत्री आज के डेट में हवे, पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही से जब मैं यहाँ नया नया जुड़े रहे होता, तो वहाँ मन मैं देख के आकर्षित होकर मैं जुड़े हूँ भाजपा में, तो उन्हें मन मैं अपन राजनीतिक गुरु मानता हूँ। अंत में एक सवाल, आखिरी सवाल, आप मतलब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रचार प्रसार प्रमुख बनाए गए हैं, का लगा 2023 के चुनाव में
नहीं हमन आपकर माध्यम से मैं अभी पूरा वादा करत हूँ अपन संगठन ला कि 2023 में वापस मन भाजपा सरकार युवा मोर्चा बल में और दम में हमन वापस छत्तीसगढ़ में बनावत हन। काबर छत्तीसगढ़ के जनता हो गए है त्रस्त ये भूपेश बघेल से। ये भूपेश दाऊ है खाली दाऊगिरी करत है और यहाँ जनता के पैसा लूटत। तो जनता सब समझ गए, बहुत भोला भाला जनता है करके बेवकूफ बनाना चाहत, मगर आज की जनता पूरा टैलेंटेड हो गए छत्तीसगढ़ के और एकर पूरा दोहरा सही रवैया जिन हवे तेन ला पर्दा फाश हो गया। आने वाले समय में वापस भाजपा के रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमन सरकार बनाबो छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े पर और आप संस्थे उज्जवल भविष्य के शुभकामना और बधाई देवत हैं। वो आप मन सभी देखते रहो न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर।